समर एक्सपेरिमेंट। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम समर्थ। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में क्या होने वाला है मुझे भी नहीं पता। जैसे मेरे काफी भाई लोग जानते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि फ्रेंड टॉयलेट क्लीनर होता है, ये एल्युमिनियम शीट देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, इन्हें मिलाने से दोनों को हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होती है, यानी कि उत्पन्न होती है, गैस बनती है। तो फ्रेंड्स चलिए, इसके अलावा फ्रेंड्स हम बहुत कुछ कहने वाले इस वीडियो में, प्लीज बने रहिए। यहाँ पर मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए छोटे से नुन्नू सी बोतल ले ली है, और इसके अंदर पहले मैं देख लेता हूँ कुछ है तो नहीं, सारा माल पी चुका हूँ मैं। तो इसके अंदर फ्रेंड्स मुझे छोटी छोटी एल्युमिनियम शीट के पीस डालने हैं, तो मैं इसे कट कर लेता हूँ। काफी माल पानी आ चुका है, चले फ्रेंड्स अब इस पर डालते हैं एसिड। तो भाई ये तो आपको दिखाई नहीं देगा कि समर भाई तो इसमें डाला क्या है। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कुछ एक गुब्बारा कुछ बैलून लगाया था, उसको पतला यहाँ पे गैस बन रही है। एसिड को जब मैं इसके अंदर मिलाऊंगा तो गैस बनेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ढक्कन लगाऊ था, लेकिन ढक्कन के अंदर मुझे होल करना है, वरना ये बोतल फट सकती है, दिक्कत हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर एक ढक्कन में होल कर देता हूँ कैंची से, सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया जगह होल कर दिया है। और अब मैं कुछ गुब्बारे लेकर आऊँ, कुछ बैलून्स, और इसमें लगा दूँगा। बीच में होल रखना है जो कि सीधा गुब्बारे में चला जाए। तो चलिए अब एसिड डालते हैं, हमें थोड़ा देख कर करना है, अगर आप छोटे बच्चे हो तो प्लीज़ इसे ना करें। मैं इसे लगा देता हूँ, अब थोड़ी देर में देखेगा क्या होता है। देखिए गुब्बारा ऊपर उठ रहा है, और प्लीज इससे दूर रहे, इसमें काफी गैस बनेगी भी। देखिए इससे काफी दूर रहेगी फ्रेंड, जानते हो यहां पर एसिड है और ये गुब्बारा है, वैसे सारी गैस के अंदर चली जाएगी। देखिए थोड़ा दूर हो जाइए प्लीज। देखिए बोतल फट चुकी है मेरे दोस्त, बोतल फट चुकी है। लेकिन तो देख सकते हो मैं थोड़ा पास जाता हूँ, देखिए कितनी हीट हो चुकी है बोतल ये, और देखिए सारा जो यहाँ पर सारा जितना भी एल्युमिनियम था सारा बिल्कुल ब्लैक हो गया है। तो देखिए दोस्त, के अंदर मैंने भर लिया गैस जो कि हाइड्रोजन गैस है। इसके अंदर क्योंकि एल्युमिनियम के छोटे छोटे पीस आ चुके हैं, देखिए आवाज़ सुन सकते हो, इसके अंदर भर चुका है लिक्विड। देखिए जो एसिड था इसके गुब्बारे के अंदर ये भर चुका है। मैंने इस बोतल पर एक्सपेरिमेंट किया, देखिए फ्रेंड्स ये बोतल कैसे हो, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी थोड़ी सी जैक हो चुकी है, और ये यहाँ पे जल चुकी है, देखिए जल चुकी है, और सारा जो एसिड है वो बाहर आ चुका है। तो फ्रेंड्स मुझे इसके अंदर आग भी लगानी, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर आग लग जाए, आपको पता है जो कि हाइड्रोजन गैस होती है उसके अंदर आग लग जाती है, तो इस गुब्बारे के अंदर आग मत लगाइएगा, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है प्लीज। तो क्या होगा हम इस छोटी बोतल की जगह इस स्प्रे जो कि पेंट स्प्रे इसको यूज करें। लेकिन फ्रेंड्स भाई ये प्लास्टिक थी फट गई, ठीक है लिक्विड सारा बाहर गया। फ्रेंड्स ये मेटल का है, ये लोहे का है, इसकी जो पूरी बॉडी है। तो दोस्त क्या होगा, कैसे रिएक्शन होगा और किस तरह हम इसे कामयाब कर सकते हैं, चलो फ्रेंड ट्राई करते हैं, प्लीज बने रहेगा, सेफ्टी का मामला है। चलिए तो यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ थोड़ा सा स्टाइल मारते हुए स्प्रे पेंट की बोतल, चले फ्रेंड चेयर लेकर आते हैं और चेयर करते हैं। यह है पुराने स्प्रे कैन, तो देख सकते हो दोस्त आप कोई भी ले सकते हो, नहीं तो आपको खराब करनी पड़ेगी, तो थोड़ा पुराने ही लें। यहाँ पर मैंने एक होल कर दिया, और फ्रेंड्स प्लीज यहाँ पर होल करने से पहले मेरी इससे पहले एक वीडियो पड़ी है स्प्रे पेंट के ऊपर, उसे देखें तब जाके इसके अंदर होल करें। मैंने सारी सेफ्टी ध्यान रखकर ही उसे बताया है कि किस तरह फ्रेंड्स आपको इसमें होल करना है। चलिए एक होल कर दे फ्रेंड जिससे टाइम बचे। अब दोस्त हमें चाहिए एक बोतल, कोई सी बोतल आप ले सकते हो, जिस तरह देख सकते हो फ्रेंड्स हमें इसका जो ऊपर का एरिया है जो टॉप का वो हमें चाहिए, और मैं यहाँ से इस पार्ट को कट कर लूँगा। लीजिए फ्रेंड्स कट कर लिया इस पार्ट को, और फटाफट मैं आपको दिखा दूँ, देखिए इतना पार्ट इनफ है कट करने के लिए। और यहाँ पर फ्रेंड देखिए एक होल यहाँ पर हुआ है, उसके अपोजिट दूसरा आपको होल करना, जहाँ पर फ्रेंड्स आपको ये बोतल जो टॉप पार्ट है ये लगाना है। एक तरह दोस्त ये हमें काफ़ी सहूलियत देगा इस वीडियो में इस एक्सपेरिमेंट करने में। देखिए यहाँ पर काफ़ी बड़ा होल हो चुका है, इसके अंदर दोस्त कंचे जो कि मार्बल्स कहते हैं, देखते हैं कितने निकलते हैं। वाह दो, अरे भाई साहब लगता है तीन, वाह फ्रेंड्स मज़ा आ गया भाई, लाइक कर दीजिए, ठोक दीजिए लाइक, चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्त देखिए अंदर का, इसके अंदर एक छोटा सा पाइप होता है जो नीचे तक जाता है, जो उस पर जो पेंट के ऊपर पहुंचाता है, और यकीन मानिए हमें इस पाइप की इतनी सी भी आवश्यकता नहीं। मेरे परम मित्र देखिए वो कितना लंबा पाइप लेके बैठा है ससुर का नाती। देखिए फ्रेंड्स अंदर से बिल्कुल साफ हो चुका है, अब इसे थोड़ा रब करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जब ढक्कन चिपकाएंगे उसे फ्रेंड्स इस पेंट को पता नहीं चिपकेगा, थोड़ा सा ज़्यादा साफ करते हैं, थोड़ा अच्छे चिपकेगा। देखिए
ये मैंने लगा दिया, बहुत अच्छी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर बिल्कुल फिक्स हो गया। अब देखिए इसने भी ताबीज पहन रखा है। देखिए फ्रेंड्स अबे तुझ पे का भूत चुड़ैल जीन आ रहे हैं भाई, कटवा लिया कुछ ना रखा इन बातों में। ठीक है फ्रेंड्स फटाफट काट दे। हाँ अब इस पर अच्छे से हम चिपकाएंगे एम सील, और एम सील लगाना बच्चों खेल नहीं है। चले फ्रेंड्स मैं बताऊं तो कैसे लगाई जाती है। पहले से अच्छी तरह से मिक्स करें, उसके बाद इसका लुलू बनाए, फिर लुलू चला के भी देखें। हाँ लुलू चल रहा है, उसके बाद इसे चिपकाए। इससे फ्रेंड्स प्रूफ होता है क्या, एम सील अच्छे से चिपक जाएगी। दूसरा तरीका है बताना मतलब किसी को। ठीक है फ्रेंड्स इस तरह से आप ए टाइप कर देना है, ये हो चुका। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लगाने हैं साइकिल के वाल बॉडी, या इसे कहते हैं वाल्व कह सकते हैं, और इस वाल्व को ठीक से लगाना बहुत ही जरूरी है, वरना फ्रेंड्स बोतल फट जाएगी। देखिए ये काफी लंबा है, मैं इसे कट करूंगा, प्लस मैं इसे थोड़ा सा रफ यानी घिसूंगा। फ्रेंड्स ये पीतल का होता है जिसे ब्रास कहते हैं, और यहाँ पे अच्छे सोल्डिंग हो जाए इसलिए यहाँ पे मैं इसे घिसा है। और फटाफट जहाँ मुझे चिपकाना है वहाँ पे मैं सोल्डिंग कर दूंगा अच्छी तरह से। फ्रेंड्स ये लग जाएगा इस तरह सोल्डिंग करने से। चलिए चिपकाते हैं। चिपकाने के दो तरीके, आप इस तरह से सोल्डिंग चिपका सकते हो, या फ्रेंड्स कोई आपके पास गन हो इस तरह देख सकते हो, टॉर्च हो उससे भी आप इसे चिपका सकते हो, क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया है। अभी फ्रेंड्स ये निकल सकता है, तो इस पर दोबारा एम सील लगाएंगे। एम सील चेक करने का तरीका वही है, इस बार मैं चेंज कर रहा हूँ। तो लुलू को आपको लटका के देखेंगे, देखिए हाँ लुलू लटक रहा है अच्छी तरह से, लुलू हो गया है, और यहाँ फ्रेंड्स इसे चिपका देंगे। लीजिए दोस्त अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि फ्रेंड्स इसे फटने से रोकेगा, जो कि फ्रेंड्स देखिए इस तरह का वाल, ये दोस्त यहाँ पर रबड़ का पीस है, इसे आप निकालें या ना निकालें इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर जो फ्रेंड्स यहाँ पर एक छोटा सा एक रबड़ का पीस होता है उसको आपको निकालना है। फ्रेंड्स वो क्या काम करता है, इसके अंदर हवा चली तो जाती है लेकिन हवा इसको वापस नहीं जाती, रिवर्स में नहीं जाती, और जब तक आप उसे नहीं निकालोगे फ्रेंड्स इसमें से हवा यानी गैस निकलेगी कैसे। ठीक है ये छोटा सा पार्ट है और ये यहाँ पर लगा रहता है, कभी आप खोल के या प्रैक्टिकल करके देखेगा बहुत आसानी से मिल जाता है। देखिए तो फ्रेंड्स इसे जरूर निकालना है, उसके बाद आप इसे आसानी से फिट कर लीजिए। और चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा, प्लीज दोस्तों ओपन लीजिए। फ्रेंड्स कंप्लीट हो चुका है। तो भाई साहब सूख चुका है, मतलब भाई साहब ने सूखा है, डिब्बा सूख चुका है। देखिए बहुत अच्छी तरह से ये ड्राई हो चुका है, और भाई यहाँ पे मैंने थोड़ी सेफ्टी भी कर दी है, अगर आप देखते हैं इसमें, हाँ यानी कि दोनों तरफ से हवा आनी और जानी चाहिए। चले दोस्तों इसके अंदर डालते हैं एल्युमिनियम की शीट, कटिंग करते हैं फटाफट। तो लीजिए ये देसी फॉर्मूला, देसी नुस्खा, हम इसके अंदर मिक्स कर देते हैं, यानी कि इसके अंदर डाल देते हैं। हो गया है तैयार। तो चलिए अब इसके अंदर डालते हैं एसिड, थोड़ा ध्यान से डालना है भाइयों, बहुत ज़्यादा ध्यान से। चलिए आई थिंक इतना इनफ है, और प्लीज़ इसे सामने तरफ बना रखें, इन दोनों की साइड, अगर ये बाई चांस लीक हुआ तो यहाँ से निकल जाएगा। थोड़ा सा रिएक्शन होने देते हैं, देखिए आवाज़ सुन सकते हैं। देखिए या हवा बहुत तेज चल रही है, यही प्रॉब्लम आ रही है। देखिए हवा बहुत ज़्यादा तेज है, आग तो लगती है लेकिन फ्रेंड घुस जाती है। एक बार फिर ट्राई करते हैं उधर। भाई साहब ये तो बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, यकीन मानिए बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। चलिए फ्रेंड पहले इसके अंदर सारा जितना भी मेटर अंदर डाला तो सब निकाल लेते हैं। तो इसे मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया फ्रेंड्स। अभी मैंने थोड़ा ओपन में यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश की थी कि आग दिखे, लेकिन फ्रेंड्स फायर दिखी नहीं, और हवा काफ़ी तेज है तो काफ़ी बुझी जा रही थी। और मैं स्टूडियो के अंदर इसलिए नहीं बना क्योंकि फ्रेंड्स अभी स्टूडियो बना है नया और उसमें काफ़ी आवाज़ गूंज रही है, सामान थोड़ा कम है, फिर मैं ट्राई करता हूँ। फ्रेंड्स स्टूडियो के अंदर चलते हैं। तो चलिए सारा सिस्टम वही करते हैं, दोबारा से मिर्च मसाले मिक्स करते हैं। तो देखिए गैस निकल रही है बाहर, देखिए तो फ्रेंड्स आपने देखी स्टार्टिंग में, देखिए इसमें आग लगती है, शायद आपको दिखी हो। मैंने कोशिश की थी, एक बार आग लगी थी लेकिन वो तुरंत बुझ गई, तो इतना हाई प्रेशर नहीं है, हमें ज़्यादा एल्युमिनियम और ज़्यादा एसिड में डालना पड़ेगा। देखिए ये जल रही है भाई, तो पूरे कमरों की बाहर निकलो, बाहर चलते हैं यहाँ से। आपको क्या समर यार, एक सेकंड उसमें आग लगी, फायर लगी, जैसे अपने फ्रेंड्स आपने वीडियो में देखा। तो दोस्त मेन चीज है कि देखिए ये जो एल्युमिनियम शीट है ये बहुत बिल्कुल छिलका पतली थी, तो फ्रेंड्स ये एसिड का बहुत जल्दी डिजोल्व हो जाती है। अगर आप थोड़ी सी हैवी, मैं थोड़ी सी हैवी शीट इसके अंदर डालता तो काफी लंबे समय तक में आग लगती है। तो दोस्त प्लीज इस एक्सपेरिमेंट घर पर ट्राई ना करें, मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दिया, हर चीज आपके बारे में बता दिया। प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ मुझे जो पता आपकी वीडियो कैसी लगी, थैंक यू सो मच दोस्तों।